सो हे गाइस, मैं प्रशांत आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नए वीडियो के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट एयर कूलर्स के बारे में जिन्हें आप खरीद सकते हैं 2023 में। गाइस, जनरली मार्केट में आपको दो टाइप के एयर कूलर्स देखने को मिल जाएंगे, पहला है पर्सनल एयर कूलर और दूसरा है डेजर्ट एयर कूलर। गाइस, पर्सनल एयर कूलर की बात करें तो जो पर्सनल एयर कूलर होते हैं वो पर्सनल यूज के लिए होते हैं, तो अगर आप इससे ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके पूरे के पूरे रूम को ठंडा करके दे दे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। गाइस, इसका यूज आप एक या ज्यादा से ज्यादा दो लोगों के लिए ही कर सकते हैं। वही अगर हम डेजर्ट कूलर की बात करें तो गाइस, जो डेजर्ट कूलर होते हैं ये साइज में बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और ये बड़े आसानी से आपके पूरे के पूरे रूम को ठंडा कर देते हैं। तो अगर आप अपने लिए एक ऐसा कूलर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं जो आपके पूरे के पूरे रूम को ठंडा करके दे दे, तो इन दोनों में से डेजर्ट कूलर ही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वैसे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेजर्ट कूलर के बारे में, लेकिन अगर आप अपने लिए एक पर्सनल कूलर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा वीडियो, डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और यहाँ आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, एक नया पर्सनल कूलर परचेस करने से पहले उस वीडियो को भी जरूर चेक करें, वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक सही पर्सनल एयर कूलर परचेस करने में आपका। सो गाइस, अब जल्दी जल्दी मैं आप सभी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर देता हूँ जिसका आपको खास ध्यान रखना है एक नया एयर कूलर लेते समय। गाइस, मार्केट में आपको ब्लोअर लगे हुए एंड फैन लगे हुए दोनों ही टाइप के एयर कूलर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मेरा आप सभी को यही सजेशन है कि जब भी आप एक नया एयर कूलर परचेस करें तो ऐसा एयर कूलर परचेस करें जिसमें फैन लगा हुआ हो, क्योंकि ऐसे टाइप के कूलर नॉइज भी काफी कम प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही साथ ये कूलिंग भी काफी ज्यादा अच्छा करते हैं। तो गाइस, अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एयर कूलर में लगे हुए कूलिंग पैड्स। जब भी आप मार्केट में एक नया एयर कूलर परचेस करने जाए तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जो एयर कूलर आप परचेस कर रहे हैं उसमें 3 कूलिंग पैड लगे हुए होने चाहिए। मार्केट में आपको ऐसे भी एयर कूलर मिल जाएंगे जिसमें बैक साइड में सिर्फ 1 कूलिंग पैड लगे हुए होते हैं, लेकिन आप इस बात का खास ध्यान रखें कि जो भी एयर कूलर आप परचेस कर रहे हैं उसमें 3 कूलिंग पैड लगे हुए होने चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कूलिंग पैड उसके अंदर लगा हुआ होगा उतने ही ज्यादा कूलिंग आपको मिलने वाली है आपके एयर कूलर से। इसके अलावा गाइस, एक नया एयर कूलर परचेस करते समय इस बात का भी खास ध्यान रखें कि उस एयर कूलर के अंदर ऑटोफिल का ऑप्शन भी होना चाहिए। आपके घर में 70 लीटर, 80 लीटर या उससे ज्यादा लीटर का एयर कूलर रहता है तो ऐसे केस में उसमें पानी भरना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो ऐसे में ये वाला फीचर आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसमें आप पाइप को टैप से कनेक्ट करके बड़े आसानी से अपने कूलर में पानी को फिल कर सकते हैं, तो इस फीचर को भी जरूर चेक कीजिएगा एक नया एयर कूलर लेते समय। इसके बाद गाइस, आपको एक और बात का खास ध्यान रखना है कि जो एयर कूलर आप परचेस कर रहे हैं उसमें वाटर ड्रेनेज आउटलेट भी होना चाहिए, क्योंकि एक एयर कूलर में आप पानी भर के उसे लगातार 2-3 दिन तक यूज करते हैं तो जो उसके अंदर का पानी रहता है वो गंदा हो जाता है और फिर उसके अंदर से गंदी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन गाइस, अगर आपके एयर कूलर में वाटर ड्रेनेज आउटलेट दिया हुआ होगा तो उसका यूज करके आप उस पानी को निकाल कर फिर से साफ पानी भर सकते हैं ताकि आपके एयर कूलर में से बदबू ना आए। तो गाइस, इस फीचर को भी आपको खास ध्यान देना है एक नया एयर कूलर लेते समय। इसके अलावा गाइस, एयर कूलर का यूज करते समय आपको अपने घर में वेंटिलेशन का खास ध्यान देना है। जब भी आप एयर कूलर को यूज करेंगे तो आपके घर में जो विंडोज है उसको ओपन करना ना भूले, उसे जरूर ओपन कर दे और उसके बाद ही आप अपने एयर कूलर को यूज करें ताकि आपको एक अच्छे तरीके से प्रॉपर कूलिंग मिले। गाइस, ऐसा करने के लिए मैं आपको सिर्फ इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप बंद कमरे में कूलर को चलाएंगे तो आपको कूलिंग बिल्कुल भी नहीं देगा, बल्कि आपको सिर्फ और सिर्फ चिपचिपाहट वाली गर्मी महसूस होने लगेगी। इसीलिए प्रॉपर वेंटिलेशन का खास ध्यान रखें ताकि आपको अच्छे से कूलिंग मिल सके। तो गाइस, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका आप सभी को खास ध्यान देना है एक नया एयर कूलर परचेस करते वक्त। गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं एयर कूलर के अंदर जिसके बारे में हम आगे वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिए, वो भी बिना स्किप किए। तो चलिए गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे टॉप 5 डेजर्ट एयर कूलर की लिस्ट की ओर। सो बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 की मेरे लिस्ट में नंबर 5 पर जो डेजर्ट एयर कूलर आता है वो है सिंफनी की तरफ से आने वाला डेजर्ट एयर कूलर, जो कि एक 75 लीटर के कैपेसिटी में आने वाला एक डेजर्ट कूलर है और ये आता है 190 वॉट के मोटर के साथ में। ये कूलर अप टू 37 स्क्वायर मीटर के साइज के रूम को ठंडा करने के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसमें भी आपको इसके तीनों साइड में हनीकॉम कूलिंग पैड्स देखने को मिल जाएंगे। गाइस, ये हनीकॉम कूलिंग पैड्स काफी ड्यूरेबल होते हैं और इसमें काफी लेस मेंटेनेंस देखने को मिलती है और ये रूम को काफी अच्छे से ठंडा भी कर देते हैं। साथ ही में इसमें आपको आई प्योर टेक्नोलॉजी भी मिलेगी। कंपनी ये क्लेम करती है कि ये टेक्नोलॉजी आपके रूम में से गंदी हवा, पॉल्यूशन, बैक्टीरिया और बदबू सबको एलिमिनेट कर देती है। इस कूलर के अंदर आपको ब्लोअर नहीं फैन देखने को मिलता है। इस एयर कूलर में आपको आइस चेंबर भी मिलता है जो आपके रूम को ठंडा करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है। इसके फ्रंट में आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है जिसके हेल्प से आप ये पता कर पाएंगे कि कूलर के अंदर कितना पानी भरा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर जरूरत है
तो आप फिर से पानी भर सकते हैं। गाइज ये जो कूलर है उसके साथ में आपको कैस्टर व्हील्स मिल जाते हैं, तो आप इसे इजीली एक जगह से दूसरे जगह बिना इसे उठाए जहां चाहे वहां शिफ्ट कर सकते हैं। इसके नीचे की तरफ आपको वाटर ड्रेनेज आउटलेट और साइड में वाटर ओवरफ्लो आउटलेट भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर कूलर में पानी ज्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिकली बाहर गिर जाएगा। इसके फ्रंट में आपको डायल नॉब्स भी मिल जाते हैं जिससे आप इसके स्पीड एंड अदर फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस कूलर में आपको 4-way एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है जो ये इंश्योर करता है कि आपका पूरा रूम ठंडा रहे और हर तरफ आपको हवा मिलती रहे। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो ABS प्लास्टिक से बनी हुई है और इस एयर कूलर का जो वेट है वो है 13.4 kg का। इस प्रोडक्ट को खरीदने पर आपको इस पर मिल जाती है 1 year की वारंटी। और इसके प्राइस की बात करें तो सिम्फनी का ये एयर कूलर आपको इस समय अमेज़न पर देखने को मिल जाएगा 13,300 के आसपास। सो गाइस अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप चाहे तो उसे भी एक बार चेक कर सकते हैं। नाउ बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 4 पर जो डेजर्ट एयर कूलर आता है वो है हैवल्स की तरफ से आने वाला डेजर्ट एयर कूलर। गाइस ये एयर कूलर आपको 70 लीटर के कैपेसिटी में देखने को मिलता है। इसमें आपको 220 वाट का मोटर मिलता है जो आता है 3500 क्यूबिक मीटर पर आर के एयर फ्लो के साथ में। इसके तीनों साइड में आपको हनीकॉम कूलिंग पैड्स देखने को मिल जाते हैं और साथ ही में आपको इसमें आइस चेंबर भी देखने को मिलेगा। गाइस इस कूलर में आपको पीछे की तरफ कॉर्ड वाइंडिंग स्टेशन भी देखने को मिलता है जिससे आप कूलर के वायर को जरूरत ना होने पर पीछे लपेट के रख सकते हैं ताकि वो यहाँ वहाँ अटक के डैमेज ना हो सके। इसके फ्रंट पे आपको 3-speed नॉब कंट्रोल दिए हुए हैं जिससे कि स्पीड और बाकी फंक्शन को आप रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें आपको कैस्टर व्हील के साथ साथ 4-way एयर डिफ्लेक्शन एंड कम्प्लीटली कोलैप्सिबल लूअर्स देखने को मिल जाते हैं। गाइस इस फीचर के वजह से जो मच्छर या कीड़े मकोड़े हैं वो कूलर के अंदर नहीं जा पाएंगे। इसके फ्रंट में आपको वाटर लेवल इंडिकेटर मिल जाता है और इसके बैक साइड में वाटर ड्रेनेज एंड ओवरफ्लो आउटलेट भी दिया हुआ है। इसमें 4-leaf ब्लेड फैन लगाया हुआ है जो एल्यूमिनियम से बना हुआ है। इस कूलर का जो वेट है वो है 26 kg का और इस प्रोडक्ट को खरीदने पर आपको इस पर मिल जाती है 1 year की वारंटी। अगर इसके प्राइस की बात करें तो हैवल्स का ये एयर कूलर इस समय आपको अमेज़न पर देखने को मिल जाएगा 14,200 के आसपास। सो गाइस हैवल्स की तरफ से आने वाला ये डेजर्ट कूलर बहुत ही अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, साथ ही साथ इसमें आपको बहुत अच्छी कूलिंग भी देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको ये एयर कूलर परचेस करना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले डेजर्ट एयर कूलर के बारे में। नाउ बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 3 पर जो एयर कूलर आता है वो है हिंडवेयर डेजर्ट एयर कूलर। गाइस इसमें आपको 200 वाट का मोटर मिलता है जो आता है 3800 क्यूबिक मीटर पर आर के एयर फ्लो के साथ में। इस कूलर का जो एयर थ्रो है वो है 42 फीट का और ये कूलर आपको ABS बॉडी में देखने को मिलेगा। इसके तीनों साइड में आपको हनीकॉम कूलिंग पैड्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको इसके नीचे की तरफ वाटर लेवल इंडिकेटर देखने को मिलेगा। अगर इसके स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो आपको इसमें 90 लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। गाइस इस कूलर में आपको ऑटो फिल का ऑप्शन भी मिल जाता है, तो आप इसे डायरेक्टली टैप से अटैच करके रख सकते हैं। इसका ये फीचर रियल में बहुत ही काम का है क्योंकि गाइस इस फीचर की वजह से अब आपको बार बार पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बॉटम पे वाटर ड्रेनेज के लिए ड्रेनेज आउटलेट भी दिया गया है, तो आप इसके हेल्प से पानी को कूलर से निकाल सकते हैं और फ्रेश पानी फिर से कूलर में भर सकते हैं ताकि आपको उसमें से कोई गंदी स्मेल ना आए और आपको फ्रेश एंड कूल एयर मिले। इसके फ्रंट पे आपको नॉब कंट्रोल दिए हुए हैं जिससे इसकी स्पीड और बाकी फंक्शंस को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस इसके अलावा आपको इसमें देखने को मिल जाता है 4-way एयर डिफ्लेक्शन। इस कूलर में आपको कॉर्ड वाइंडिंग स्टेशन भी मिल जाता है पीछे की तरफ और इसके अलावा आपको इसमें कैस्टर व्हील के साथ साथ आइस चेंबर भी मिल जाता है। गाइस हिंडवेयर का ये वाला मॉडल इन्वर्टर के साथ में कंपैटिबल है। इस प्रोडक्ट के वेट की बात करें तो इसका जो वेट है वो है 18.5 kg का। इसमें आपको कंप्लीटली कोलैप्सिबल लूअर्स देखने को मिल जाते हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदने पर हिंडवेयर आपको देता है 1 year की वारंटी और हिंडवेयर का ये एयर कूलर इस समय आपको अमेजोन पर देखने को मिल जाएगा 10,800 के आसपास। गाइस अमेजोन पर सभी प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती रहती है, तो अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का लेटेस्ट प्राइस जानना है या किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करना है तो मैंने सभी प्रोडक्ट की बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके आप किसी भी प्रोडक्ट का लेटेस्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आता है तो सेम लिंक का यूज करके आप उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले डेजर्ट एयर कूलर के बारे में। सो बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर 2 पर जो डेजर्ट एयर कूलर आता है वो है बजाज का डेजर्ट एयर कूलर। इसमें आपको 200 वाट का मोटर मिलेगा और इसमें आपको 5600 क्यूबिक मीटर पर आर का एयर फ्लो भी मिल जाएगा। इस कूलर में आपको 90 फीट का एयर थ्रो मिल जाता है
और इसमें भी आपको 3-sided honeycomb cooling pads देखने को मिलते हैं। गाइस इस कूलर में आपको antibacterial hexacool टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है, जो बैक्टीरिया और गंदे स्मेल को निकालकर आपको फ्रेश एयर देने में काफी ज्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा आपको इसमें टर्बो फैन टेक्नोलॉजी भी मिलती है, मतलब जो फैन इसके अंदर लगा हुआ है वो आपको बहुत ही जबरदस्त एयर फ्लो देता है। इतना ही नहीं, इसमें जो ड्यूरा मरीन पंप लगा हुआ है वो डबल इंसुलेशन के साथ में आता है और पंप के लाइफ को बढ़ाता है। इसके अलावा बाकी कूलर्स की तरह इसमें भी आपको आइस चेंबर, वाटर लेवल इंडिकेटर, वाटर ड्रेनेज एंड ओवरफ्लो आउटलेट, कॉर्ड वाइंडिंग स्टेशन, 3-speed नॉब कंट्रोल एंड 4-way एयर डिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इसमें आपको 4 कैस्टर व्हील्स की जगह 5 कैस्टर व्हील्स मिलते हैं। इस कूलर का जो वेट है वो है 17.4 kg का एंड बजाज के इस कूलर को खरीदने पर आपको मिलती है 1 ईयर की वारंटी ऑन प्रोडक्ट एंड 2 ईयर्स की वारंटी ऑन ड्यूरा मरीन पंप। इसके प्राइस की बात करें तो बजाज का ये एयर कूलर आप इस समय अमेजोन से खरीद पाएंगे 14,900 के आसपास। सो गाइस बजाज के इस एयर कूलर की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में बताऊं तो ये काफी ज्यादा हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है और ये काफी ज्यादा मजबूत एयर कूलर है। इसके अंदर आपको सभी रिक्वायर्ड फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको बजाज का ये एयर कूलर आपके लिए सूटेबल लगता है तो इसे परचेस करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, उस लिंक का यूज करके आप इसे परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे आज के बेस्ट डेजर्ट एयर कूलर के बारे में। बेस्ट एयर कूलर इन इंडिया 2023 की मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर जो एयर कूलर आता है वो है क्रॉम्पटन डेजर्ट एयर कूलर, जो कि आता है 100 लीटर के स्टोरेज कैपेसिटी के साथ। इसमें आपको 200 वॉट का मोटर मिल जाता है जो आता है 5500 क्यूबिक मीटर पर आर के एयर फ्लो के साथ में। क्रॉम्पटन के इस कूलर में आपको मिल जाते हैं 3-sided हनीकॉम कूलिंग पैड। इसके अलावा इसमें आपको 4-way एयर डिफ्लेक्शन के साथ साथ कम्प्लीटली कोलैप्सिबल लूवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इस कूलर में आपको ऊपर की तरफ आइस चेंबर और फ्रंट में नीचे वाटर लेवल इंडिकेटर भी मिल जाता है। इस कूलर में आपको ऑटोफिल टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी और इसमें वाटर ड्रेनेज के लिए आपको बॉटम पे ड्रेनेज आउटलेट दिया गया है। इसके फ्रंट पे आपको नॉब कंट्रोल दिया गया है। इसके अलावा गाइस ये कूलर इन्वर्टर कंपैटिबल भी है। इसमें आपको मोटर ओवरलोड प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जो एक बहुत ही काम का फीचर है और ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से होने वाले नुकसान से आपको बचाता है। गाइस इसकी एक अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि इस कूलर के साथ में आपको तीनों तरफ मॉस्किटो नेट लगा हुआ मिलता है। इस कूलर में भी आपको 4 की जगह 5 बहुत ही स्टर्डी कैस्टर व्हील्स मिलते हैं, वो भी लॉक्स के साथ में। ABS थर्मोप्लास्टिक से बना ये एयर कूलर काफी स्टर्डी है और इसका जो वेट है वो है 16.5 kg का। इस पे क्रॉम्पटन आपको देगा 1 ईयर की वारंटी और इस एयर कूलर को आप इस समय अमेज़न से खरीद पाएंगे 13,500 के आसपास। सो गाइस क्रॉम्पटन के इस एयर कूलर के अंदर आपको सभी जरूरी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसका जो लुक्स है, इसका जो डिजाइन है वो काफी ज्यादा बढ़िया है और गाइस इसका जो बॉडी है वो ABS प्लास्टिक से बना है, इसका मतलब ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। तो गाइस क्रॉम्पटन का ये एयर कूलर ओवरऑल बहुत ही बढ़िया एयर कूलर है जिसे आप अपने लिए परचेस कर सकते हैं। वैसे सभी प्रोडक्ट की तरह इसका भी बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी एक बार जरूर चेक कीजिएगा। तो ये सभी थे मेरे लिस्ट में आने वाले बेस्ट 5 डेजर्ट एयर कूलर इन इंडिया जिन्हें आप खरीद सकते हैं 2023 में। आई होप आपको ये वीडियो काम की लगी होगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो, फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।